students, in this video we will discuss our seventh part of speech, conjunctions. So let us start it without wasting any time. Let us first know what is a conjunction. Conjunction is a word that joins words or clauses together to make sentences. क्या करता है कंजंक्शन कि वो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करता है आपस में. उसको सेंटेंस लिंकर भी बोल देते हैं क्योंकि ये लिंक करने का काम करता है. दो क्लोजेस को जो छोटे सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करने का काम करता है और वर्ड्स को भी आपस में ये ज्वाइन करता है एंड शो हाउ द मीनिंग ऑफ द क्लोजेज रिलेट टू ईच अदर. और ये बताते हैं कि कैसे जो मीनिंग है वो आपस में लिंक्ड हैं, कैसे वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ये बताने का काम क्या करता है कंजंक्शन. सो लेट अस नो इट विद एग्जांपल्स. ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट. यहाँ एंड जो है वो कंजंक्शन है. ये वर्ड बहुत कॉमन है, मोस्टली सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं. ये सेंटेंस दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है. जब भी हम क्लोजेस करते हैं तो हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे दो क्लोज थे, ही इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ इंटेलिजेंट. उन दोनों को अलग अलग एक छोटे सेंटेंसेस थे, उनको ज्वाइन करने का काम, लिंक करने का काम क्या करा है एंड. इसलिए ये क्या है, सेंटेंस लिंकर या कंजंक्शन भी बोलते हैं. आई शैल ईदर रीड और राइट अ बुक. यहाँ पर ईदर और जो है वो कंजंक्शन है. इसमें ये दो चीज़ों को, दो वर्ब्स को जोड़ रहे हैं कि या तो लिखूँगा या पढ़ूँगा. तो ये जो है ये भी क्या है, कंजंक्शन है. नेक्स्ट देखो, राम एंड मोहन वेंट देयर. यहाँ पे दो नाउन्स को जोड़ने का काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट बना रहा है. तो ये क्या है, ये भी एक कंजंक्शन है. इस तरीके से बेटे कंजंक्शन जो है वो इस तरीके से वर्ड को भी कनेक्ट कर सकती हैं और सेंटेंसेस को भी. ही इज़ अलाउड टू एंटर एज ही इज़ इन्वाइटेड बाय अस. कि एज से हमने कनेक्ट कर दिया कि उसको एंटर करने की अलाउड है, परमिशन है, और रीज़न बता दिया उसके थ्रू. तो कंजंक्शंस आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग तरीके से हम इनको ज्वाइन करते हैं. तो अलग अलग कंजंक्शन होते हैं, उनको किस तरीके से हम पार्टीशन करते हैं, काइंड्स में डिवाइड करते हैं. सो लेट अस कंटिन्यू विद काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस जब आप करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा कि कंजंक्शंस किस किस टाइप की होती हैं. कंजंक्शंस होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. मेनली जो कंजंक्शंस हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं. वो कोऑर्डिनेट करने का काम करती है दो सेंटेंसेस को. अगर आपका जो क्लोजेज हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्लोजेज को जोड़ रही हैं, तो उसी टाइप की हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. सो लेट अस डू दैम वन बाय वन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दीज कंजंक्शंस एड द सेंटेंसेज और वर्ड्स ऑफ द सेम रैंक. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन्स सेंटेंसेस जिस टाइप के होते हैं ना, जिसमें सबोर्डिनेट नहीं होते, दोनों क्या क्लोज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है. तो ऐसे सेंटेंसेस को या क्लोजेस को ज्वाइन करने का काम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. मीन्स इसमें जो क्लोजेस यूज होते हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है या फिर स्लाइट डिफरेंस होता है इंपॉर्टेंस में, तो कोई चेंज नहीं होता, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है. तो ऐसी कंजंक्शंस जो होती हैं ये आपको पता है सेलेक्टेड है, अभी हम जब इनको करेंगे, तो ऐसी कंजंक्शंस जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं. ऑल द क्लोजेस आर ऑफ सेम वैल्यू. इसमें दोनों ही क्लोजेस की या दो से ज़्यादा हैं तो उनकी वैल्यू सेम होती है. रमेश हर्ड द वेदर रिपोर्ट एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस. दोनों की इक्वल वैल्यू है, दो क्लोजेज हैं. रमेश हर्ड द वेदर रिपोर्ट, रमेश ने वेदर रिपोर्ट सुनी और वेंट टू हिज हाउस, और वो प्रॉम्प्टली तुरंत ही अंदर चला गया. तो ये क्या है, दोनों की इक्वल की, रमेश ने वेदर रिपोर्ट सुनी, वो तुरंत वो चला गया. तो एक दूसरे का रीज़न नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में से अलग अलग भी हम इनको सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं विदाउट कि कुछ रह जाए, कुछ मीनिंग जो है वो बताना बाकी रह जाए, कंप्लीट मीनिंग ना हो, ऐसा नहीं है. ही प्लेज बास्केटबॉल वेल. सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट है. येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट. येट से कनेक्ट हुआ है और हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट. ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में भी इंडिपेंडेंट है. तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है. तो ये जो येट है यहाँ पर और ऊपर जो एंड है, ये दोनों ही कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं बहुत आसान है, कुछ
लिमिटेड हैं वो, और वो सेवन कंजंक्शंस हैं, और उनको याद करने का तरीका क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड दे आर इजी टू रिमेंबर इफ़ यू जस्ट रिमेंबर फैन वॉइस. अगर ये वर्ड आप याद कर लोगे तो इनके जो जो ये लेटर्स हैं वो इनिशियल लेटर्स हैं उन कंजंक्शंस के. तो जैसे देखिए फैन, फैन में फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है फोर, एफ फोर, फोर. तो फोर जो है वो फर्स्ट हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये क्या करती है, एक्सप्लेन्स रीज़न और पर्पस जस्ट लाइक बिकॉज. लेकिन आपको ध्यान रखना है बिकॉज जो है वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, उसमें सबॉर्डिनेट बन जाता है जो जिसके आगे वो, जिस क्लोज के आगे वो लगते हैं. लेकिन फोर जब लगाते हैं तो इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, तो ये रीज़न बताने का काम करता है. देखिए प्रपोजिशन भी होती है फोर, लेकिन वहाँ मीनिंग होता है के लिए, यहाँ पर ये रीज़न के लिए होता है, बिकॉज वाली सेंस में लगा होता है. लेकिन हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में फोर लगाना अवॉइड करते हैं, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रीज़न लगा जब लगाने का काम करते हैं तो हम फोर का यूज़ नहीं करते हैं. आई गो टू द पार्क एवरी संडे, मैं पार्क में हर संडे को जाता हूँ. फोर, आई लव टू वॉच द डॉग्स ऑन द लेक, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज हैं कि मैं पार्क में हर संडे को जाता हूँ और मैं लेक में डक्स को देखना पसंद करता हूँ. लेकिन एक दूसरे का रीज़न है कि ये रीज़न है इसलिए वो हर संडे को जाता है, तो ऐसे जगह पर हम फोर लगाते हैं. एंड एड्स वन थिंग टू अनदर, कि एंड क्या करता है, एक से दूसरी चीज़ को ऐड करता है, मीन्स एक बात है उसमें दूसरी बात ऐड करते हैं. शी सैट नेक्स्ट टू हिम एंड लिसन क्वाइटली, तो यहाँ पे क्या है, वो बैठी और उसने चुपचाप सुना, एक के बाद एक और बात को हमने ऐड कर दिया. नोर आपको पता है, नाइदर नोर तो आप बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगी, वो पेयर वाली जो कंजंक्शन है फिर वो क्या हो जाती है, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाती है. लेकिन नोर जब अकेला भी यूज़ होता है, हालांकि रेयरली होता है, तो ये क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया. मीन्स दो नेगेटिव आइडियाज़ हैं और एक नेगेटिव आइडिया में एक और ऑप्शन, नेगेटिव ऑप्शन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, नोर का यूज़ करते हैं. जैसे टॉम नीदर कन्फर्म्ड नोर डिनाइड द र्यूमर्स, पहली भी नेगेटिव स्टेटमेंट है कि टॉम ने ना तो कन्फर्म किया और ना ही र्यूमर्स को डिनाई किया. यहाँ पे देखिए नीदर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम नीदर का जब यूज़ करते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होती. जैसे हम ये कह दें नीदर के बजाय हम कह दें टॉम डिड नॉट कन्फर्म नोर ही डिनाइड द र्यूमर्स. तो इस तरीके से जब हम अकेले नोर का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब नेक्स्ट है एफ ए एन, फैन हो गया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी ओ वाई एस, तो बी फॉर बट, शोज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को शो करता है. कंट्रास्ट मीन्स दो चीज़ों में कंपैरिजन को शो करता है. जैसे शी वांट्स टू बाय अ कार, अपोजिट आइडिया होता है इसमें, बट शी कांट अफोर्ड टू. तो इस तरह की जो अपोजिंग स्टेटमेंट अगर हमने देनी हो तो हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट का. और आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इनको, तो प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव और अ चॉइस, जब हम इसमें चॉइस देते हैं. और नोर में नेगेटिव चॉइस होती है और में पॉजिटिव चॉइस होती है. विच डू यू लाइक बेटर, एप्पल्स और बनानास, कि आपको कौन सा चीज़ पसंद है, एप्पल या बनाना. तो इस तरीके से इसमें दो वर्ड्स जो हैं उनमें चॉइस दी गई है, ऑप्शन अल्टरनेटिव दिया गया है. येट येट इंट्रोड्यूसिस अ कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रिसीडिंग आइडिया लॉजिकली. मीन्स येट क्या करता है कि एक जो पहले वाला जो आइडिया है उसको लॉजिकली फॉलो करता है, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग होता है. मीन्स तो भी, कि ये है सिचुएशन तो भी उसने ये किया. जैसे आई ऑलवेज टेक अ बुक टू रीड, कि मैं हमेशा पढ़ने के लिए किताब उठाता हूँ. येट आई नेवर टर्न अ सिंगल पेज, लेकिन तो भी मैं एक सिंगल पेज भी टर्न नहीं करता. मैं उठा तो लेता हूँ, तो भी मैं सिंगल पेज भी टर्न नहीं करता. ये तो है, लेकिन दूसरी बात ये है. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म करने के लिए हम येट का यूज़ करते हैं. सो, और लास्ट वाली हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सो. सो इंडिकेट्स इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. सो जो होता है, पहले वाला जो क्लोज होता है उसका रिजल्ट बताने का काम करता है. आई एम हंग्री,
सो आई एम गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट, कि मैं हंगरी हूँ इसलिए मैं कुछ खाने के लिए पाने के लिए जा रहा हूँ, खाना पाने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरीके से सो को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट बताने के लिए। तो ये बेटे सेवन जो कंजंक्शंस होती हैं ये होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस होती हैं, इनमें एक की वैल्यू दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होती, दोनों क्लोज इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं। सेकेंड जो हमारी कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लोज विद अदर क्लोजेस। ये क्या करते हैं, देखो उसमें इक्वल इम्पोर्टेंस होती थी, इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती। एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, दूसरा मेन क्लोज होता है। जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और उनके अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो जब एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज को ज्वाइन करने का काम करती हैं वो कंजंक्शंस क्या होती हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अ सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्लोजेज फॉर इट्स कम्प्लीट मीनिंग। आपको पता है अगर आपने क्लोजेज किए हैं कि एक जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, क्लोज समझ रहे हो, क्लोज होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की जिसकी एक फाइनाइट वर्ब हो जाती है जिसके अंदर, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्ट करने का काम क्या करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर प्रीपोजिशंस, कि कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपने प्रीपोजिशंस में भी पढ़ी होंगी, लेकिन जब वो क्लोजेस को ज्वाइन करने का काम करती हैं तो वो क्या होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। रमेश विल स्टे देयर अंटिल यू रीच देयर, अंटिल यहाँ पे अंटिल यूज़ हुआ है, तो रमेश विल स्टे देयर यहाँ पर ये मेन क्लोज है, ये इंडिपेंडेंटली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे रमेश वहाँ रहेगा, तो ये बात अभी इनकम्प्लीट है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि यहाँ अगर आप इतना ही कहोगे जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तो ये जो है ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये जो क्लोज है ये डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले क्लोज के ऊपर, तो ये ज्वाइन करने का काम क्या कर रहा है, अनटिल कंजंक्शन। ही केम हियर, इनफैक्ट जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वही बताती हैं कि जो क्लोज है, जब वो जुड़ जाता है तभी हमें पता लगता है कि वो क्या है, वो क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही केम देयर सो दैट ही कैन डिस्कस द इशू, वो वहाँ आया, देखो सो अलग है और सो दैट अलग है, सो दैट ताकि ही कैन डिस्कस द इशू, तो यहाँ पे सो दैट जो कंजंक्शन है वो क्या है, सबऑर्डिनेट, ताकि वो डिस्कस कर सके इशू को इसलिए वो वहाँ आया, तो यहाँ पर क्या है सो दैट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब ये है, मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ ये बताने के लिए कि ये जो कंजंक्शंस होती हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, हालांकि आप बहुत कॉमनली इनको यूज़ करते हैं आफ्टर, बाद में, ऑल्दो, हालांकि, एज, जैसे कि एग्जांपल, वो रीज़न देने के लिए, एज फार एज, जहाँ तक ये है, जहाँ तक इसका सवाल है, एज इफ, जैसे कि, एज लॉन्ग एज, जितना लंबा की, एज सून एज, जितनी जल्दी की, इवन दो, इसके बावजूद, एवरी टाइम, इफ, इन ऑर्डर दैट, ताकि, सिंस, सो दैट, कुछ और हैं, एज दो, जैसे कि, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, कि इवन इफ मीन्स इसके बावजूद भी, वैन, वेयर, वेर एवर। देखो ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये हर जगह आ जाते हैं, तो ये कंजंक्शंस की तरह जब ज्वाइन करती हैं सेंटेंस लिंकर का काम करती हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, दैन, दो, और अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ जो कंजंक्शंस होती हैं वो प्रेपोजिशन की तरह भी हम यूज़ करते हैं, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेनेवर, वेयर एज, व्हाइल, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अब इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटे, तो कि वो टाइप होते हैं, जिस टाइप की होती हैं, जिस मीनिंग में यूज़ होती हैं, हम उनका पार्टीशन करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम मैंने इनको इस अलग अलग कैटेगरी में लिया है कि अगर कंपैरिजन करना है तो ये वाली कंजंक्शंस होती हैं। जैसे कंपैरिजन करते हैं तो दैन का यूज़ होता है, कि उसके बजाय, रादर दैन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज। टाइम से रिलेटेड जो कंजंक्शन होती है सबऑर्डिनेट वो होती है आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, व्हेन एवर, नाउ दैट। कंसेशन, कंसेशन मीन्स ऐसा तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेशन रिलीफ है, वो देने के लिए क्या होती हैं, वो कंसेशन वाली कंजंक्शंस होती हैं, दो, ऑल दो, इवन दो, कि ऐसा तो है
फिर भी, ऑल दो, हालांकि, इसके बावजूद भी, इवन दो, तो इस तरह के जो सेंटेंस जब बनाए जाते हैं तो ये थोड़ा उनको रिलीफ दिया जाता है, कंसेशन दी जाती है। और भी कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का जो काम करती हैं, जैसे हु एवर, हुम, हुम एवर, हुज़, आपको पता है कि वो रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। और जब इनको हम सेंटेंस लिंकर की तरह यूज़ करते हैं तो ये क्या होती हैं, कंजंक्शंस, रीज़न, किसी चीज़ का रीज़न बताने के लिए, बिकॉज, जैसे आपने फोर से भी बताया था, बिकॉज से और एज दोनों से बता देते हैं रीज़न, कारण, सिंस, चूंकि, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर टू, ऐसा करने के लिए, तो ये रीज़न बताने के लिए होती हैं। कंडीशन बताने के लिए भी होती हैं, जैसे इफ़, अगर कंडीशन बहुत कॉमनली तो इफ का यूज़ करते हैं, ओनली इफ, केवल ऐसा, अनलेस, कि जब तक ऐसा नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट मतलब अगर ये रीज़न हो, प्रोवाइड ये दिया जाए, अज्यूमिंग दैट, ये मान लिया जाए, तो ये कंडीशन को बताने वाली है। तो इस तरीके से हम इन कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, हालांकि आप बहुत कॉमनली इनको यूज़ करते हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है इनके यूज़ करने में, क्योंकि अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और क्योंकि ये खुद एक टॉपिक का पार्ट है, तो इतना डिटेल में हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लेस, वेयर, वेर एवर, प्लेस, जगह के से रिलेटेड, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का जो काम करते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, दैट, वट एवर, विच, विच एवर, मैनर, हाउ, एज दो, एज इफ। हालांकि आपको इनके पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको पार्टीशन नहीं करना होता इनको, आपको सिर्फ मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए और आपको इनके यूजेस देखने चाहिए। तो आप जितना इनका यूजेस को देखोगे उतना आपको ये समझ आएंगी। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके की कंजक्शंस यूज हों तो आपको देखना है कि किस तरीके से वो सेंटेंसेस के अंदर यूज हुई है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की कंजक्शन है वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस होती है लगभग दोनों क्लोजेस की। लेकिन कोरिलेटिव क्या होती है, दीज कंजक्शंस आर यूज इन पेयर्स, जो जोड़ों में यूज होती हैं, उन कंजक्शंस को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। जैसे राम इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, सो और दैट, ये जो कंजक्शन होती है ये नहीं है कि दो वर्ड है, ये दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग जगह यूज़ होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। जैसे राम इज सो वीक, वो इतना वीक है दैट ही कैन नॉट वॉक, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, राम वीक है वो चल नहीं सकता, लेकिन वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। सो और दैट जो है वो यहाँ पर कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, हार्डली वेन, ये इस तरीके से यूज होती हैं कि मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा होगा जब ट्रेन आ गई। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस की भी मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, आप बहुत कॉमनली आप इनको देखते हो सेंटेंसेस के अंदर, इधर और, या तो ये या दूसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि दूसरा भी, नीदर नॉर, ना तो ये ना दूसरा ऑप्शन, बोथ एंड, दोनों, एक ये या दूसरा, वेदर और, कि या तो ये या दूसरा, जस्ट एज, सो, जैसे ही वैसे ही, द मीन्स जितना ये उतना वो, एज एज, कि जैसा ये वैसा दूसरा, एज मच एज, जितना ये उतना दूसरा, नो सुनर, जैसे ही, देन, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, देन, जैसे ये हुआ कि ये हो गया, रादर और देन। तो इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। और बेटे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके अंदर जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, आपको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है। तो जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ही आते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के होते हैं, लेकिन बहुत कॉमनली ये जो है ये यूज़ होती हैं। तो अब इनके अलावा भी क्या है, मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ, इनमें भी कुछ कंजंक्शंस होती हैं। ये नॉर्मली क्या होती हैं कि ये कंजंक्टिव एडजेक्टिव का काम करती हैं, एडवर्ब्स का काम करती हैं, सॉरी। तो ये क्या करती हैं कि ये सिर्फ एक सेंटेंस ही नहीं, कई बार क्या होता है कि एक पैराग्राफ है उसका दूसरे से रिलेशन बताने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए, उनकी थॉट को रिलेट करने के लिए, या लास्ट में सम अप करने के लिए, इस तरीके से यूज़ होती हैं। तो ये भी एक तरह की कंजंक्शंस ही होती हैं, जैसे प्लेस से रिलेटेड हैं,
बियॉन्ड, अपोजिट टू मीन्स पहले जो बात बताई उससे, देयर, हेयर, इन द बैक, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू, नियर बाय, एट दैट पॉइंट. तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है कि ये उस सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को लिंक नहीं करती, बल्कि उन सेंटेंसेस में एक अपोजिट आइडिया को देती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं, या उसको समरी करने का काम करती हैं. इन ब्रीफ, इट सीम्स, क्लियरली, इन शॉर्ट, इन सम, आफ्टर ऑल, इन जनरल, इन अदर वर्ड्स, ये रिलेशन बताने का काम करती हैं. इसलिए हम ये एडवर्ब ज़्यादा मानते हैं इनको, टाइम को बताने वाली, करंटली, इन द पास्ट, इन द मीन टाइम, मीन वाइल, फाइनली, एट लास्ट, प्रेजेंटली, इवेंचुअली. मीन्स ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम लास्ट में लगाते हैं, कोई बात बता रहे हैं और लास्ट में ये कहते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, एट लास्ट हम ये कह सकते हैं, इवेंचुअली ऐसा हुआ, तो इस तरीके से तुरंत ही ऐसा हो गया. तो ये ज़्यादातर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगती हैं और उस तरीके से उसके आइडिया को दूसरे आइडिया से लिंक करने का काम करती हैं. इसी तरह की हैं, एडिशन कुछ ऐड करना हो कि ये तो बातें बता दी, इनके साथ ये भी है, टू, बिसाइड्स, फाइनली, लास्ट, फर्दर, ऑल्सो, एडिशनली, इन एडिशन, देन, कंपैरिजन, सिमिलरली, कंपैरेबल, एज विद, अनदर लाइक. तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सच एज, फॉर वन थिंग, मीन्स एग्जाम्पल देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, दैट इज, स्पेसिफिकली, तो इनका भी हम यूज करते हैं. अब है एग्जामिनेशन स्टाइल एक्सरसाइज. मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना आ जाता है आपस में, कि आपको ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन, कि कंजंक्शन का यूज़ करके आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, वो कैसे करेंगे. तो देखिए, जैसे एक ये दो सेंटेंसेस दे दिए हमें, आई हैड ए बैट, सिंपल सेंटेंसेस देंगे, आपको उन्हें ज्वाइन करना है. आई गेव इट टू माई ब्रदर. जब हम इसे ज्वाइन करेंगे कि मेरे पास एक बैट है और मैंने ये अपने भाई को दिया, तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए बैट विच आई गेव टू माई ब्रदर. आपने विच से जोड़ दिया कि जो बैट मैंने मेरे भाई को दिया, क्योंकि आपने वही बैट दिया. दिस इज द हाउस आई लिव्ड हियर फॉर 3 years, कि ये वो घर है जहाँ मैं 3 साल रहा. तो आप वेयर से जोड़ दोगे इसको, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 years. आई नो द गर्ल, ही लव्स हर. तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या, आई नो द गर्ल हुम ही लव्स, जिसको वो लव करता है. आई एम अ टीचर, आई एम अ ऑथर, दो हैं तो क्या करोगे, दोनों ही हूँ मैं, एक टीचर भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ. आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर, एन आएगा यहाँ पे. सीता इज प्लेइंग चेस, शी इज वॉचिंग टीवी. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट ऑल्सो वॉचिंग टीवी. तो इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करते हैं. अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको भी क्या करना है, जैसे मैंने ज्वाइन करना है, अलग अलग कंजंक्शंस का यूज़ करके आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. द सेंटेंसेस आर, ये आपको सामने सेंटेंसेस हैं, और कोई भी कंजंक्शन जो आपको फिट लगती है एडिशन देखकर, या कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन देखकर, तो वो आपको ज्वाइन करनी है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड वॉच फॉर माई लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज़.